हलचल टीवी न्यूज। लव शगुन एक अपकमिंग हिंदी फिल्म है जिसके डायरेक्टर संदेश नायक और प्रोड्यूसर ईशा एस नायक हैं। इस फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस की ये डेब्यू फिल्म है। ये फिल्म चार दोस्तों की मस्ती, कंफ्यूज लाइफ जर्नी, डोमिनेंट गर्लफ्रेंड, टेंशन और मम्मीज बॉय पर बेस्ड है। एमटीवी रोडीज के पार्टिसिपेंट अनुज, जिन्होंने टीवी शो में भी एक्ट किया है, इस फिल्म में वो मम्मीज बॉय और अपने कंफ्यूज लाइफ स्टोरी पर किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म के सेकंड एक्टर मनिक जोरा, जिन्होंने टीवी सीरियल में भी एक्ट किया है और इंटरनेशनल फिल्म में भी, लव शगुन फिल्म में एक कूल बॉय के रूप में नजर आएंगे जो एस्ट्रोलॉजी पर ज्यादा यकीन करते हैं और अपने कंफ्यूज लाइफ से लड़ते नजर आएंगे। फिल्म के तीसरे एक्टर हैं विक्रम कोचर, जो स्टार प्लस के सुमित संभाल लेगा शो में काम किया है और ये उनकी डेब्यू फिल्म है। इस फिल्म में वो दिल्ली से मुंबई आया हुआ लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ रहता है और उनकी खिंचाई करता है और एक फनी कैरेक्टर के रूप में नजर आएगा। फिल्म की एक्ट्रेस निधि सुभई और शिम्पी सिंह दोनों टीवी एक्ट्रेस हैं और उनकी ये डेब्यू फिल्म है। दोनों इस फिल्म में डोमिनेंट गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करती नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग गोवा और मुंबई में की गई है और फिल्म 26 फरवरी को रिलीज होगी। और इस फिल्म के बारे में, जिसका नाम है लव शगुन, ये रिलीज़ हो रही है 26 फरवरी को, अपने अगले महीने। और दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट दिस कैरेक्टर जेडी, जिसका नाम जेडी है लेकिन अनलाइक द नेम वो दारू नहीं पीता। ही इज़ मोर ऑफ अ ममाज बॉय एंड एक सीधा साधा आदमी है जिसकी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल होती है। वो उथल पुथल इसलिए होती है क्योंकि इसका ये मानना है कि जो कोई अपनी तरफ से एडवाइस देता है तो वो उसकी बात पे गौर करता है और उसकी बात पे गौर करने पे सोचता है कि शायद ये ठीक है, तो उस चीज़ को अप्लाई करता है, फिर दूसरे की अप्लाई करता है। सो सारी थ्योरीज़ को अप्लाई करने में उसकी ज़िंदगी खिचड़ी बन जाती है। अब वो ऐसी खिचड़ी के अंदर कहीं जगह पर उसे अपनी फैमिली को भी देखना है, कहीं जगह पर उसे अपनी दिल की भी सुननी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें उसकी लाइफ में इफ़ेक्ट करती हैं। अब कोई आदमी, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, हमारे दोस्त हमारे बारे में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताते हैं कुछ चीज़ों का, तो अपनी तरफ से तो वो सॉल्यूशन बताते हैं कि यार ये लड़का यू नो कि इसको इतनी परेशानी है, इसको हम ठीक कर देते हैं, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें शायद आई थिंक उसकी ज़िंदगी में और उथल पुथल ले आती हैं, उसे और परेशानी में डाल देती हैं। तो यही कुछ किरदार है जेडी का। और इसके साथ उसके तीन दोस्त और हैं जिनका अपना, ये सब डिफरेंट फ्लेवर वाले दोस्त हैं, सब अपनी जगह एक बहुत ही कहते हैं ना कि अलग अलग स्पाइसेस हैं फूड में कुछ ऐसा, और एक साथ रहते हैं और एक उसका डिफरेंट एंगल है जो एक सिचुएशनली उसकी ज़िंदगी में वो गुजर रहा है उस चीज़ से। ये फिल्म जिसका नाम है लव शगुन, ये एक्चुअली वैसे तो है चार दोस्तों की कहानी है जिसमें से एक दोस्त है जो कि क्या कहेंगे किसी तरह के लफड़े में फंसता है। वो लफड़ा मैं आपको ढंग से नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अगर मैं बता दूँगा तो फिल्म नहीं देखने जाएंगे आप लोग। तो बात करूँ अपने किरदार की, तो उन चार दोस्तों में से एक दोस्त मैं प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है दीपक। दीपक जो है वो दिल्ली का रहने वाला है, इसकी पंजाब चंडीगढ़ की साइड की एक गर्लफ्रेंड है, तो ये बड़े ही लंबे समय से उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। कुछ प्लान करके इन लोगों ने गोवा में अपने दोनों ने पोस्टिंग करा ली है। वो प्राइवेट बैंक में काम करती है इसकी गर्लफ्रेंड जो है, और ये जो है ये एक सरकारी बैंक में काम करता है। तो डरता है, काफ़ी डरता है, सरप्राइज्ड है अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से। गर्लफ्रेंड बहुत डोमिनेटिंग है, उससे डोमिनेट होता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, मस्तीखोर है, दोस्तों के साथ हर शाम को जाके बियर पीनी, गोवा में घूमना वूमना, ये उसके लिए गोवा में आया है। एंड ही इज़ वेरी श्योर दैट इज़ गोना गेट मैरिड टू दिस गर्ल। ओके, हाई, आई एम शामिन मन्नान। और ये लव शगुन जो फिल्म है उस शगुन जैसे है, शगुन इज़ नॉट अ गर्ल, ये शगुन वो एस्ट्रोलॉजी वाले शगुन के बारे में है। और दिस फिल्म इज़ अबाउट फ्रेंडशिप, इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, और इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म। देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन द फिल्म और दे आर वेरी रिलेटेबल। आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आप किसी ना किसी कैरेक्टर के साथ डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे। इट्स अबाउट लव ऑल्सो, द फिल्म इज़ अबाउट लव एंड कैसे इसमें जो एक कैरेक्टर है वो कैसे लव और एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में फंस जाते हैं, तो इट्स अबाउट दैट।
सो आई थिंक शामी ने काफ़ी क्लियर कर दिया कि मूवी क्या है. मैं सिर्फ ऐड करूँगी कि इट्स अ वेरी यूथ बेस्ड फिल्म जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. आप वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं आप रियल लाइफ में भी देखते होंगे, वैसा कोई फ्रेंड, वैसे किसी की गर्लफ्रेंड, वैसा ही मदर के साथ भी मे बी रिलेशनशिप. सो इट्स लाइक कवरिंग मैनी थिंग्स इन वन पैकेज. बहुत ही रियलिस्टिक है. और या आई विल ओनली ऐड दैट इट इज़ अ यूथ ओरिएंटेड. आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़.